हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक फॉर वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जो आज खिलाड़ी नीलाम किए गए हैं, जो खिलाड़ी बिके हैं आज, उन्हीं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं पैट कमिंस, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 2 करोड़ और जिनको खरीदा है केकेआर ने 15.50 करोड़ में। दूसरे आते हैं हमारे ग्लेन मैक्सवेल, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 2 करोड़ और उनको खरीदा है पंजाब ने 10.75 करोड़ में। फिर आते हैं हमारे क्रिस मॉरिस, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1.5 करोड़, जिनको फाइनल प्राइस में खरीदा गया है 10 करोड़ में बेंगलुरु ने। फिर आते हैं अपने सेल्डन कोट्रेल, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और उनको खरीदा है पंजाब ने 8.50 करोड़ में। फिर आते हैं हमारे नाथन कुल्टर नाइल, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और उनको खरीदा गया है 8 करोड़ में MI ने, यानी कि मुंबई इंडियंस ने। फिर आते हैं हमारे शेमरॉन हेटमायर, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और जिनको खरीदा गया है 7.75 करोड़ में दिल्ली चैलेंजर्स ने। फिर आते हैं पीयूष चावला, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और उनको खरीदा गया है 6.75 करोड़ में CSK ने। फिर आते हैं सैम करन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और उनको खरीदा गया है 5.50 करोड़ में CSK ने। फिर आते हैं इयोन मॉर्गन, जिनको खरीदा है KKR ने 5.25 करोड़ में और इनकी बेस्ट प्राइस थी 1.5 करोड़ रुपये। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और इनको खरीदा गया 4.80 करोड़ में दिल्ली चैलेंजर्स ने। फिर आते हैं रोन फिंच, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और उनकी फाइनल प्राइस में, यानी कि उनको खरीदा गया है 4.40 करोड़ में बेंगलुरु ने। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 30 लाख और उनको फाइनल प्राइस 4 करोड़ में खरीदा गया है KKR ने। फिर आते हैं केन रिचर्डसन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1.5 करोड़ और उनको खरीदा गया है 4 करोड़ में बेंगलुरु ने। फिर आते हैं रोबिन उथप्पा, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1.5 करोड़ और उनको खरीदा गया है 3 करोड़ में RR, यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने। अब आते हैं जयदेव उनादकट, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और उनको खरीदा गया है 3 करोड़ में RR राजस्थान रॉयल्स ने। क्रिस जॉर्डन आते हैं फिर, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 75 लाख और उनको खरीदा गया है 3 करोड़ में पंजाब ने। फिर आते हैं एलेक्स कैरी, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और उनको खरीदा गया 2.40 करोड़ में दिल्ली चैलेंजर्स ने। फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको खरीदा गया 2.40 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने। अब आते हैं क्रिस लिन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 2 करोड़ और इनको खरीदा गया है 2 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने। फिर आते हैं हमारे डेल स्टेन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 2 करोड़ और इनको खरीदा गया 2 करोड़ में ही बेंगलुरु ने। फिर आते हैं रवि बिश्नोई, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको खरीदा गया 2 करोड़ में पंजाब ने। फिर आते हैं मिशेल मार्स, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 2 करोड़ और इनको खरीदा है SRH सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ में। फिर आते हैं अपने जोस हेजलवुड, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 2 करोड़ और इनको खरीदा है CSK ने 2 करोड़ में। फिर आते हैं प्रियम गर्ग, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको खरीदा है हैदराबाद ने 1.90 करोड़ में। फिर आते हैं विराट सिंह, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको खरीदा है SRH ने 1.90 करोड़ में। फिर आते हैं जेसन रॉय, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1.5 करोड़ और इनको खरीदा है 1.5 करोड़ में दिल्ली चैलेंजर्स ने। फिर आते हैं क्रिस वॉक्स, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1.5 करोड़ और इनको खरीदा है 1.5 करोड़ में ही दिल्ली चैलेंजर्स ने। फिर आते हैं कार्तिक त्यागी, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको खरीदा है RR यानी राजस्थान रॉयल्स ने 1.30 करोड़ में। फिर आते हैं एंड्रयू टाय, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और फाइनल प्राइस, यानी कि RR ने खरीदा है इनको 1 करोड़ में। फिर आते हैं टॉम बैटन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और इनको खरीदा है 1 करोड़ में KKR ने। फिर आते हैं टॉम करन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 1 करोड़ और इनको खरीदा है 1 करोड़ में RR ने। फिर आते हैं अनुज रावत, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख, इनको खरीदा है 80 लाख में RR राजस्थान रॉयल्स ने। फिर आते हैं डेविड मिलर, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 75 लाख और इनको खरीदा है 75 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने। फिर आते हैं राहुल त्रिपाठी, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको खरीदा है 60 लाख में KKR ने। फिर आते हैं प्रभ सिमरन सिंह, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको खरीदा है 55 लाख में पंजाब ने। फिर आते हैं मोहित शर्मा, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और इनको खरीदा है 50 लाख में दिल्ली चैलेंजर्स ने। फिर आते हैं दीपक हुड्डा, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 40 लाख और इनको खरीदा है 50 लाख में पंजाब ने। फिर आते हैं सौरभ तिवारी, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और इनको खरीदा है 50 लाख में मुंबई इंडियंस ने।
फिर आते हैं जेम्स नीशम, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और इनको ख़रीदा है 50 लाख में पंजाब ने। फिर आते हैं फेबियन एलन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और इनको ख़रीदा है 50 लाख में हैदराबाद ने। फिर आते हैं इसरो उडाना, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और इनको ख़रीदा गया है 50 लाख में बेंगलुरु ने। फिर आते हैं ओसेन थॉमस, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 50 लाख और इनको ख़रीदा गया है 50 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने। फिर आते हैं पवन देश पांडे, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है 20 लाख में बेंगलुरु ने। फिर आते हैं अनिरुद्ध जोशी, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है 20 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने। फिर आते हैं तुषार देश पांडे, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा गया है 20 लाख में दिल्ली चैलेंजर्स ने। फिर आते हैं ईशान पोरेल, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा गया है 20 लाख में पंजाब ने। फिर आते हैं आकाश सिंह, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा गया 20 लाख में राजस्थान रॉयल्स ने। फिर आते हैं दिग्विजय देशमुख, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा गया 20 लाख में मुंबई इंडियंस ने। फिर आते हैं आसाई किशोर, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और सीएसके ने ख़रीदा है इनको 20 लाख में। फिर आते हैं एम सिद्धार्थ, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और केकेआर ने ख़रीदा है इनको 20 लाख में। फिर आते हैं प्रिंस बलवंत राय सिंह, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में। फिर आते हैं संदीप बवनाका, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है SRH ने हैदराबाद ने 20 लाख में। फिर आते हैं क्रिस ग्रीन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है KKR ने 20 लाख में। फिर आते हैं ललित यादव, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है दिल्ली चैलेंजर्स ने 20 लाख में। फिर है शाहबाज अहमद, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है बेंगलुरु ने 20 लाख में। फिर आते हैं निखिल नाइक, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है KKR ने 20 लाख में। फिर आते हैं जेसुआ फिलिप, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है बेंगलुरु ने 20 लाख में। फिर आते हैं मोहसिन खान, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में। यादव, जिनकी बेस्ट प्राइस 20 लाख और SRH ने ख़रीदा है इनको 20 लाख में। फिर आते हैं परवीन तांबे, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है KKR ने 20 लाख में। फिर आते हैं तजिंदर ढिल्लन, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और इनको ख़रीदा है पंजाब ने 20 लाख में। फिर आते हैं अब्दुल समाद, जिनकी बेस्ट प्राइस थी 20 लाख और SRH ने ख़रीदा है इनको 20 लाख में। तो दोस्तों, ये थे कुछ खिलाड़ी IPL ऑक्शन 2020 में बिकने वाले। अगर आपको वीडियो लगा हुआ अच्छा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ ऐसे वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।